नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल इंडिया न्यूज में। फ्रेंड्स, दाता रामगढ़ के निकटवर्ती ग्राम लालास के शहीद सूबेदार महेंद्र कुमार मोवाल 5 जनवरी को कश्मीर में श्रीनगर की ऊंची चोटियों पर ड्यूटी के दौरान अपने वतन के लिए 43 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। जी हाँ फ्रेंड्स, शहीद महेंद्र कुमार 28 जून 1996 में सेना में भर्ती हुए, जिन्होंने करीब 25 वर्षों तक अपने देश की सेवा की। शहीद की पार्थिव देह मंगलवार शाम 5 बजे श्रीनगर से दिल्ली पहुंची और शहीद का पार्थिव शरीर सेना की गाड़ी से राजकीय सम्मान के साथ बुधवार सुबह 9 बजे पहुंचेगा सिक्कर, जहां से विशाल जनसैलाब के साथ नागौर जिले में उनके पैतृक गांव लालास से अंतिम यात्रा के रूप में 11 बजे पहुंचेगा। जब फ्रेंड सूबेदार महेंद्र कुमार 5 जनवरी को ही शहीद हो गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बर्फबारी के कारण उनकी पार्थिव देह को एयरपोर्ट तक नहीं लाया जा सका, जिसके कारण देरी हुई। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने ट्विटर के माध्यम से बताया कि जैसे उनको नागौर के शहीद की जानकारी प्राप्त हुई, रक्षा मंत्रालय से संपर्क करके जल्द से जल्द पार्थिव शरीर उनके घर तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन मौसम खराब होने की देरी हुई। शहीद की अंत्येष्टि बुधवार को 12 बजे राजकीय सम्मान के साथ ग्राम लालास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास होगी। शहीद महेंद्र कुमार ने 10वीं कक्षा ग्राम लालास की सरकारी विद्यालय से 1995 में उत्तीर्ण की थी। शहीद सूबेदार महेंद्र कुमार मुहार के एक पुत्र संजय व एक पुत्री पूजा है। उनकी धर्मपत्नी का नाम कमला देवी है। यहाँ फ्रेंड्स, महेंद्र के पिता का नाम मनसुखराम था, जिनका भी निधन हो चुका है। वो भी भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। 20 वर्ष की बेटी पूजा भारतीय कॉलेज सिक्कर से स्नातक कर रही है, जबकि 13 वर्ष की बेटा संजय गांव की संगम स्कूल में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है। शहीद सूबेदार महेंद्र कुमार पिछली 1 वर्ष से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थे। उनके परिवार में अभी उनका छोटा भाई हनुमान है। अपने माता पिता को खो चुके शहीद के परिवार में 4 भाइयों में महेंद्र तीसरे नंबर पर था, जिनकी शादी 1998 में हुई थी। 2 बड़े भाइयों का भी पहले ही आकस्मिक निधन हो गया था।